ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है जो जन्म मरण और उसके बाद पुनर्जन्म, क्या आप मानती हैं कि ये वास्तव में ऐसा होता है? मानती ही नहीं, मैंने देखा भी है और मैं मिली हूँ ऐसी शख्सियत से, और मेरा रिसर्च उसी पर है कि पुनर्जन्म होता है। और मैं डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत हैं जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से मोर देन 500 केसेज इन्वेस्टिगेट किए हैं, और मेरा रिसर्च अब उन्हीं के अंदर गाइडेंस पे चल रहा है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। तो मानना और नहीं मानना तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रूफ होते हुए भी हम बोलते हैं एज अ साइंस स्टूडेंट कि नहीं है कुछ भी, बट देर इज़ समथिंग ना कि जो हमारी नज़र से परे है, जो हमारी फीलिंग से परे है, और वही आत्मा पुनर्जन्म लेती है। ये तो फैक्ट है, हमारे हिंदू शास्त्र, हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है ही। और मैं मिली भी हूँ, एक मिसेस तिवारी हैं भोपाल बेस्ड हैं, उनको अपने पिछले 3 जन्म याद हैं, मैंने उनसे इंटरव्यू लिया है, और फैक्ट वेल प्रूवन है, ऑल ओवर वर्ल्ड इन्वेस्टिगेटेड है, वेरीफाइड केस है। आयन स्टीवनसन जो पितामह कहे जाते हैं इन पुनर्जन्म केसेस के लिए, उन्होंने खुद इस चीज़ का प्रूव किया था। और महात्मा गांधी ने एक दूसरे केस के लिए भी बात की थी, उन्होंने कमेटी भी बिठाई थी, एक लुगदी देवी री इनकार्नेशन केस था जो पिछले जन्म में डेथ हो गई थी उनकी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और नेक्स्ट जन्म जब उन्होंने लिया तो उन्होंने सब कुछ बताया कि जगह कहाँ है, वो कहाँ रहती थी, उनके हस्बैंड कैसे दिखते थे, उनके बच्चे के टाइम पर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये तो मान्यता वाली बात नहीं है, प्रूफ तो है। अब मेरे सर बोलते हैं कि ये बोलना चाहिए कि इट्स नॉट अ फैक्ट एक्चुअली जब तक प्रूवन नहीं हो जाता है, बट मैं पर्सनल व्यू के हिसाब से बोल सकती हूँ पुनर्जन्म होता है। डॉक्टर ज्योति गुप्ता फ्रॉम इंदौर, थैंक यू सो मच।